दादाजी कहानी सुनाओ ना। छोटी सी रिया ने अपने दादाजी से जिद की। उसकी आंखों में चमक थी और मन में ढेर सारे सवाल। आजादी वाली आजादी वाली आजादी वाली वो कैसे मिली थी? दादाजी मुस्कुराए, उनके चेहरे पर पुरानी यादों की झलक थी। क्या आपने देखा था वो समय? रिया की आंखों में उत्सुकता थी। वह जानना चाहती थी कि कैसे उनके दादाजी ने उस समय को जिया था। दादाजी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। उन्होंने गहरी सांस ली और कहने लगे, अच्छा सुनो, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो हमारे देश पर अंग्रेजों का राज्य था। हम सब बहुत संघर्ष कर रहे थे। अंग्रेजों का शासन बहुत कठोर था। हमें अपनी आजादी के लिए बहुत कुछ सहना पड़ा। हमारे देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और कई अन्य नेताओं ने हमें एकजुट किया। उन्होंने हमें अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग दिखाया। हमने कई आंदोलन किए, जैसे कि दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन। इन आंदोलनों ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया और फिर 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। वह दिन हमारे लिए सबसे बड़ा उत्सव था। रिया ने दादाजी की बातों को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में गर्व और खुशी की चमक थी। दादाजी ने रिया को गले लगाया और कहा, हमारी आजादी की कहानी बहुत लंबी और संघर्षपूर्ण है, इसे हमेशा याद रखना। रिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि उसकी दादाजी की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। और इस तरह रिया ने अपने दादाजी से आजादी की कहानी सुनी और उसे अपने दिल में बसा लिया। वो कैसे आए थे दादाजी? रिया ने पूछा। शुरू शुरू में तो वो व्यापार करने आए थे, दादाजी ने बताया। धीरे धीरे उन्होंने हम पर हुकूमत करना शुरू कर दिया, हमारी आजादी छीन ली। वो लोग बुरे थे क्या? रिया ने भोली आवाज में पूछा। बेटा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अंग्रेजों ने कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन हमारी आजादी छीनना गलत था, दादाजी ने समझाया। दादाजी ने आगे बताया, अंग्रेजों का आगमन 1600 के दशक में हुआ था। वे व्यापार के उद्देश्य से आए थे और उन्होंने भारत में अपनी व्यापारिक चौकियां स्थापित की। शुरुआत में उन्होंने भारतीय व्यापारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए और मसाले, कपास, रेशम जैसी वस्तुओं का व्यापार किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की और भारत के विभिन्न हिस्सों में किले और बस्तियां बनाई। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया और स्थानीय राजाओं और नवाबों के साथ संधियां की। अंग्रेजों ने कर प्रणाली को भी बदल दिया और भारतीय किसानों से भारी कर वसूलने लगे। इससे भारतीय कारीगरों और किसानों की स्थिति खराब हो गई। लेकिन उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ सुधार किए। उन्होंने स्कूल और कॉलेज स्थापित किए। इससे भारतीय युवाओं को आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। अंग्रेजों ने रेल मार्ग भी बनाए जिससे देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ा गया। लेकिन उनकी नीतियों के कारण भारतीयों में असंतोष बढ़ता गया और स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने अहिंसात्मक आंदोलन चलाया और अंततः 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली। हमने अपनी आजादी वापस पाई और एक स्वतंत्र राष्ट्र बने, दादाजी ने रिया को समझाया। इतिहास से हमें सीखना चाहिए और अपने देश की प्रगति के लिए मिलकर काम करना चाहिए। रिया ने ध्यान से सुना और अपने दादाजी की बातों को समझने की कोशिश की। हमारा भविष्य हमारे हाथों में है, दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। दादाजी ने रिया का हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारे जैसे बच्चों के सपनों से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। और इस तरह रिया ने अपने दादाजी से अंग्रेजों के आगमन और भारत की स्वतंत्रता की कहानी सुनी और उससे प्रेरित हुई। तो फिर हम आजाद कैसे हुए दादाजी? रिया बेसब्री से बोली। बहुत से वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। दादाजी की आवाज में गर्व था। गांधी जी, नेहरू जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन सब ने अंग्रेजों से लोहा लिया, अहिंसा और सत्याग्रह का हथियार उठाया।
पर दादाजी, जब हम आजाद हुए तो पाकिस्तान भी बना था ना? रिया ने पूछा। दादाजी का चेहरा उदास हो गया। हाँ बेटा, देश का बंटवारा हुआ, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, लाखों लोग मारे गए। ये आजादी की बहुत बड़ी कीमत थी। उनकी आवाज भारी हो गई। लेकिन दादाजी, फिर तो खुशी भी बहुत हुई होगी? रिया ने पूछा। हाँ बेटा, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। चारों तरफ खुशियां मनाई गईं। दादाजी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया, मिठाइयां बांटी, नए भारत के निर्माण का संकल्प लिया। उस दिन नेहरू जी ने क्या कहा था दादाजी? रिया ने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने कहा था, हमारा नियति से साक्षात्कार है, दादाजी ने बताया। उन्होंने नए भारत के सपने की बात की, जहां सबको बराबरी का हक मिलेगा। और झंडा, तिरंगा कब फहराया गया? रिया ने पूछा। उसी दिन बेटा, 15 अगस्त को ही। लाल किले पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया। दादाजी की आंखों में नमी थी। पूरा देश गर्व से भर गया। उनकी आवाज रोमांच से भरी हुई थी। दादाजी, हमारा राष्ट्रगान कौन सा है? रिया ने पूछा। हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन। इसे रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, दादाजी ने बताया। ये गीत हमें हमारे देश की विविधता और एकता की याद दिलाता है। और दादाजी, संविधान क्या होता है? रिया ने पूछा। संविधान हमारे देश का कानून है। इसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, दादाजी ने समझाया। इसमें सभी नागरिकों को बराबरी का हक दिया गया है। दादाजी, क्या आजादी के बाद सब कुछ ठीक हो गया? रिया ने पूछा। नहीं बेटा, आजादी के बाद भी हमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, दादाजी ने बताया। गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, लेकिन हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। आज हम दुनिया के सामने एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरे हैं। दादाजी, ये सब जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा, रिया ने कहा। मुझे नहीं पता था कि हमारे देश का इतिहास इतना समृद्ध और प्रेरणादायक है। आपने जो कहानियाँ सुनाई, वे मेरे दिल को छू गईं। बेटा, तुम्हें ये इतिहास इसलिए बताया ताकि तुम अपने देश और उसके वीरों को याद रखो। हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया है और हमें उनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भूलना चाहिए, दादाजी ने प्यार से कहा। उन्होंने आगे बताया कि कैसे हर पीढ़ी का कर्तव्य है कि वह अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे। हमेशा देश के लिए कुछ करने की सोचो। समाज सेवा, शिक्षा और तकनीकी विकास में योगदान देकर हम अपने देश को और भी महान बना सकते हैं। ईमानदारी, सच्चाई और देशभक्ति का रास्ता कभी मत छोड़ना। ये मूल्य हमारे देश की नींव है और इन्हें बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। नया भारत तुम्हारे हाथों में है। तुम ही वो पीढ़ी हो जो इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी लगन ही इस देश का भविष्य तय करेगी। रिया ने दादाजी की बातों को ध्यान से सुना और मन ही मन ठान लिया कि वह भी अपने देश के लिए कुछ बड़ा करेगी। उसने सोचा कि वह शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगी और उन बच्चों को पढ़ाएगी जो शिक्षा से वंचित हैं। रिया ने अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात की और उन्हें भी प्रेरित किया कि वे भी अपने अपने क्षेत्रों में कुछ नया और अच्छा करें। इस तरह नई पीढ़ी ने मिलकर एक नया भारत बनाने का सपना देखा और उसे साकार करने के लिए जुट गई। और इस तरह नई पीढ़ी ने अपने सपनों को साकार कर एक नया भारत बनाया जो समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर है। लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।